अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कुहू, कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, बताया भी नहीं कहाँ जा रही हो, और तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हुआ? कुछ बोलेगी भी या फिर बोलना भी नहीं चाहती? हाँ, हम राजीव बाबू से मिलने गए थे, यही बोलना चाहते हैं। तू भी यही जानना चाहती थी ना माई? और एक बात बताना चाहते हैं, आज हम उस सारा रास्ता मिटा के आए जो उनसे हम तक और हमसे उन तक जाता है। अब हम और वो कभी एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, और हम बहुत खुश है। अच्छा, खुश है तो होंठों पे मुस्कुराहट काहे ना आई, आंखों में आंसू काहे? आंख के आंसू पे तो किसी का बस नहीं है ना माई। हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, इससे इसको कौन फर्क नहीं पड़ता। काहे कि इन आंसुओं का फितरत ही अलग होता है। अगर इसको बहना है ये बहेगा, हम कितना भी रोकने का कोशिश करें ये नहीं रुकेगा। आसपास सब नजर बनाए रखो। ओवर। इधर सब क्लियर है सर, ओवर। ओके, सब सतर्क हो जाइए, एक बौना लड़की की तरफ बढ़ रहा है, ओवर। बोल दो ना। बोल दे दो ना प्लीज। जी ठीक है मैडम। आज जो बनेगा कनक के पसंद का बनेगा। जी ठीक है मैडम। कितनी बार की लड़की को अपना बनाना होगा, अगर ऐसा हुआ तो राजीव से दूर हो जाएगी। मैडम, वो कनक बिटिया की बेस्ट फ्रेंड कोयल आ रही है क्या? तो उसकी पसंद का भी कुछ बना लेती हूँ। नहीं, वो नहीं आएगी, और आगे भी ना आए तो बेहतर है। मनहूस कहीं की यहाँ आई और आग लगा कर चली गई। मैडम, उसकी क्या गलती है? वो तो छोटी सी बच्ची है ना। और उसकी गलती है कि वो बच गई। जी हाँ, हमारा मतलब है कि कोयल जब से यहाँ आई है तब से कनक हमारी कनू ही नहीं रही, उसकी न्यू फ्रेंड बन के रह गई है। और कोयल यहाँ से जाने के बाद पलट के पूछा उसने हाँ कि कनक कैसी है, खैरियत पूछी उसकी? नहीं, ऐसी दोस्ती का क्या फायदा? ऐसी बात नहीं है मैडम, उस बच्ची का तो खुद का पांव चल गया है। वो कैसी है, किस हाल में है, ये भी हमें नहीं पता। बस बस, कोई जरूरत नहीं है ऐसी दोस्ती की। अब हम कनक के बेस्ट फ्रेंड भी बनेंगे और न्यू फ्रेंड भी। इतने बेस्ट फ्रेंड बनेंगे कि भूल ही जाएगी कि उसका कोई और बेस्ट फ्रेंड भी था। मानना पड़ेगा इस मुनिया टोला की मुनिया को, चाहे ये हो या कुहू, दोनों एक नंबर के नौटंकीबाज हैं। देखो, शी को राजीव को शीशे में उतारना है तो बेटी को बचाने लगी।
अपदेश यहाँ आना जरा। जी जो काम हमने दिया था वो खत्म किया कि नहीं? हो गया मैडम, खत्म हो गया। सोना खत्म। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे आपने इतने बड़े बड़े चश्मा क्यों पहना है और ऐसा मेकअप क्यों? मेकअप इसके लिए कि कोई मुझे पहचान ना ले, और चश्मा इसलिए कि मेरा निशाना कहीं चूक ना जाए। निशाना? किस पे है निशाना? ये तो पुलिस वाले हैं। अब तो बता दो किस पे निशाना है। निशाना? अरे मेरा मतलब है ये बॉल और वो पिट्टू खेलने आया था तुम्हारे साथ। चलो खेलते। वाह वाह! आपका निशाना तो कमाल का है। वो तो है ही, मैं हूँ ही कमाल का। लेकिन मैं तो आपकी वजह से गेम हार गई। वारे तकदीर, मेमने इतनी नजदीक है कि चाहू तो इसी पल गला ले तू। पर चलो बला टली है, ना पौआ बचा ना हमारे कुकर्म का सबूत। अब सारा ध्यान राजीव को पटाने में लगाएं, थोड़ा मेकअप पोत के आ जाते हैं। तो सिर्फ प्रार्थना करो कि इसे सच्चाई का पता ना चले। अगर से पता चल गया ना कि पौवा जिंदा है या पौवा पुलिस के हाथ लग गया तो हम लोग ना। मिसेज हंसनी नारायण चंदेल। पुलिस? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आपसे कुछ बात करनी है। अपना काम निपटा ले आरती, जब तक यहाँ पुलिस की सरगर्मी चालू है। रात तक में सारा काम हो जाएगा, तुम लोग भी तैयार है ना? असली ज्वेलरी से नकली ज्वेलरी मैंने बदल दी है। जितना समेट सकती थी ना उतना तो मैंने समेट लिया है। माल की क्वालिटी एक नंबर है और कीमत वो तो पूछो ही मत। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।